तो हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल बीएसबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो गाइज, अभी जो हमारा बिहार बोर्ड का जो है मैट्रिक का 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है, साइंस का पेपर था आज हमारा, ठीक है ना गाइज। 20 फरवरी को साइंस का था, सेकंड शिफ्ट का हमारा ये क्वेश्चन पेपर है। इसका सारा आंसर की जो है आ चुका है गाइज, 100%। अगर आपको आंसर की चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहो, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो। ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको मैं सारा क्वेश्चन का आंसर 5 मिनट में बता दूंगा। चलिए गाइज, ये हमारा सेट है गाइज, ठीक है। सेट आपका कोई सा भी है, सभी सेट के स्टूडेंट के लिए वैलिड है, ठीक है ना। सभी से क्योंकि मैं सीरियली वाइज बताऊंगा तो अपना चेक कर लो। ओके गाइज, चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन गाइज थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आसान बिल्कुल भी नहीं थे, थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए गाइज, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, 40 क्वेश्चन के आपको जवाब देने थे। यहाँ पर देख सकते हैं, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो भाई दूर बिंदु पूछा जा रहा है। इसमें 25 सेंटीमीटर थोड़ी होगा, ये अनंत होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनंत। नीचे आ जाओ, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो गैज क्या होगी? यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, और इसने क्या किया है, गलती कर दिया। तो क्या होगा? आवासी और सीधा। क्या होगा गैज? ये पहले आवासी, तो आवासी और सीधा होगा, ठीक है ना, ये होगा हमारा। नीचे आ जाओ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। नीचे आ जाओ गाइज, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है गाइज। ये पहले से मैंने जो है सॉल्व करके टिक मार दिया, तो ये मत मारो, ये मत समझो कि ये स्टूडेंट ने टिक किया, ये नहीं, ये हम लोगों ने जो है टिक किया है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? तो यहाँ पे नीला, ब्लू होगा, ठीक है। क्या गाइस? ब्लू होगा, ठीक है। वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में क्या है अभिसारी लेंस? तो कांच का उत्तल लेंस, हमारा 6 का C हो जाएगा। ओके गाइस, नीचे आ जाओ, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? कम तीव्र बनेगा, ठीक है ना, कम कम तीव्र से बनेगा, ठीक है, ये होगा आंसर। देखो गाइज, ये पहले से सॉल्व कर दिया, तो ये कंफ्यूज मत होना कि जो टिक मारा हुआ, ये टिक जो है हमने मारा, ये जो है इस स्टूडेंट ने मारा था, ये गलत मारा इसने, ठीक है। नहीं, पहले इसने आधा दिया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी है, ठीक है ना। तो टिक जो है पहले से क्वेश्चन पेपर में मार दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जो है आपको स्कैन करके बताया जा रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसने मारा था अभिलंब से दूर, इसने बहुत सारे आंसर इस स्टूडेंट ने गलत किए, तो हम लोगों ने देखो सही सही आंसर यहाँ पे मार दिए। कहाँ? 8 का B होगा, अभिलंब की ओर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप गूगल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान जो है यहाँ पे देखो हम लोगों ने सॉल्व किया क्या है, -15 सेंटीमीटर। इसमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ओके गाइज, यहाँ पे देखो क्या होगा, 9 का D नंबर आंसर। ओके गाइज, और आ जाओ गाइज 11 का देख लेते हैं, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को, किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। 11 का हमारा C नंबर। नीचे आ जाओ गाइज, 12 का देख लेते हैं, 12 का हमारा B हो जाएगा। ओके, 12 का B हो जाएगा। 14 का देख लेते हैं, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, क्या ये? पश्चमावी मांसपेशियां। ओके गाइज, ये होगा हमारा 14 का, हमारा हो जाएगा D नंबर। 14 का D इज द राइट आंसर। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो परिकर्णन के कारण। ओके गाइज, इसने मारा था अवशोषण। इसने बहुत सारे मैक्सिमम, मतलब इसके ये स्टूडेंट फेल करने वाला है, इतना मैं बता देने वाला हूँ। इतने अगर सब्जेक्टिव इसने नहीं लिखा होगा ना तो ये फेल कर जाएगा। ओके गाइज, प्रतिरोध का सही मात्र क्या होता है? ओम होता है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर, ओम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना गाइस। 17 का हमारा C नंबर। विभक्त विलय प्रयुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं, AC होगा। यहाँ पे देखो हम लोगों ने सॉल्व किया AC जनित्र, तो यहाँ पे नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। AC होता तो सही होता, नहीं तो 18 का D हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है गाइस। इसने मारा था कहाँ पे? इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन पे। मेटेलिक कंडक्शन इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ विच पार्टिकल इन मेटेरियल? तो इलेक्ट्रॉन होगा, 19 का हमारा A नंबर, ठीक है गाइज।
आपको मैं जल्दी से सारा क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, यहाँ देखो 20 का हमारा क्या हो जाएगा गाइज, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 20 का हमारा डी नंबर आंसर। नीचे आ जाओ गाइज, नीचे और भी क्वेश्चन बताया, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ज होती है। कितनी गाइज? 50 हर्ज। क्या होती है गाइज? 50 हर्ज। तो 22 का ही नंबर। नीचे आ जाओ, तो इसका देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो पानी का जो होता है, वाटर का सबसे कम अपवर्तनांक होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से। ये 5 इसने मार रखा था, 4 गलत हो गया। आप भी मिला लो गाइस और वीडियो को लाइक कर दो गाइस। सारा आंसर हम लोग सही बता रहे हैं, 100% करेक्ट आंसर की हम लोग दे रहे हैं। ओके, नीचे आ जाओ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा किसका है, एनर्जी का, 25 का ए। मानव, यहाँ पे देखते हैं, मानव की आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस, आइरिस को एक बोलते हैं परितारिका द्वारा, यहाँ देखो आइरिस लिखा हुआ है। 26 का हमारा डी नंबर। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये बायोमास। 27 का सी नंबर। नीचे आ जाओ, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 2n2। ओके गाइज, यहाँ पे सी नंबर। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो मीथेन। क्या है? मीथेन, मीथेन हो जाएगा हमारा, मीथेन। नीचे आ जाओ, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो ये डाउट है, इसलिए मैंने सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79। तो हमारा 31 का सी, ठीक है गाइज। 32 का निम्नलिखित, तो कौन लवण है, तो K2। क्या है? K2SO4 जो है हमारा लवण है, तो कहाँ है K2SO4? डी इज द राइट आंसर, 32 का डी। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से टमाटर है, टोमेटो। 33 का ए, ठीक है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3S8 है इनमें, तो यहाँ पे 10 संयोजक आबंध है, ठीक है। 34 का डी नंबर। ओके गाइज, 35 का उसी तरह, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो प्रावरणिक किरण से। 35 का सी। नीचे आ जाओ, कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता, तो ब्रोमीन। 36 का हमारा बी नंबर। नीचे आ जाओ, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो ये तो डाउट है, इसलिए मैंने इसको कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे छोड़े हैं। 40 का, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से। 40 का हमारा बी नंबर इज द राइट आंसर। ओके गाइज, यहाँ पे सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, ऑल एसिड डिजोल्व इन वाटर टू गिव क्या, तो H+ आयन। क्या? H+ आयन। ओके गाइज, 41 का ये हो जाएगा। नीचे आ जाओ, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्लभ अम्ल है, तो क्या आ जाएगा, CH3COOH, यहाँ पे ये है, ठीक है। कौन सा? बी नंबर, ये दुर्लभ है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, तो 43 का सी नंबर। नीचे आ जाओ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है सबसे कठोर है, 44 का सी। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, तो 2, सबको पता होगा गाइस, बहुत आसान है। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, जिंक ब्लेड जो है जिंक का अयस्क है, 46 का बी नंबर। नीचे आ जाओ, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है, तो 3 है, ठीक है, 3 होते हैं, समझ गए। एल्काइन का समान सूत्र सबको पता होगा, CnH2n, बिल्कुल सही है एल्काइन का, 48 का बी। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयुक्तता होती है, समान होती है, 49 का ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो मेथेनॉल जो है शराब के रूप में, 50 का बी हो जाएगा। नीचे, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या 8 है, ठीक है, कितने हैं, 51 का डी इज द राइट आंसर। सौर सेल किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन, सौर सेल में किसका, सिलिकॉन, तुमको पता होगा छत पे जो लगाते हैं धूप में, वो सिलिकॉन का यूज़ हमारा होता है। आ जाओ गाइज, ये हमारा 54 का हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा आंसर। ओके गाइज, नीचे आ जाओ, 55 का सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है क्या गाइज, Na3PO4। ओके, तो मैंने आपको बता दिया गाइज, मैंने लगभग गाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने आपको बता दिए। आपको
40 ही क्वेश्चन, 80 में से 40 ही क्वेश्चन के आंसर देने थे, मैंने लगभग बहुत सारे 50 से 60 मैंने बता दिए, और उम्मीद करेंगे गैस आपके आंसर की बहुत अच्छे गए होंगे, एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और ज़्यादा आंसर के आपने सही जवाब दिए, कितने आपने सही जवाब दिए, कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हुए, हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं एक बार, ठीक है डियर स्टूडेंट। और सारा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर दिया गैस, हम वीडियो पसंद आती है लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ओके गैस, सारा 100% आंसर की हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, ठीक है गैस, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।